नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों का प्रॉब्लम है कि सिलाई मशीन में किसी के ऊपर का धागा सही नहीं आता है, किसी के नीचे की सिलाई सही नहीं आती। तो इसका मूलभूत कारण क्या है और इसको सही कैसे करें, घर बैठे छोटी सी समस्या के लिए मैकेनिक के पास जाएँ तो पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है। एक छोटी सी समस्या को लेकर जाओगे तो भी 100-200 रुपए तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे हम आपको सही करना बता रहे हैं कि घर बैठे अगर आपके ऊपर की सिलाई जैसे लूज आता है ना धागा, एक धागे को खींचते हैं ना तो पूरा ऐसे सिलाई खींच जाती है। तो इस तरह की सिलाई ना आए, बिल्कुल ऊपर नीचे की सिलाई परफेक्ट आए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, आप सिलाई चल रही है और इसकी सिलाई को जैसे ही हम धागा थोड़ा सा खींचते हैं ना तो खींच जाता है, मतलब यहाँ पे एक धागा लूज है और एक धागा टाइट है। तो कारण क्या है, इसको सही कैसे करें, या फिर जो हमारे नीचे की सिलाई है ना उसके अंदर गुच्छे आने लगते हैं, या फिर जो ऊपर की सिलाई है उसके अंदर है ना गांठे गांठे सी आने लगती है, तो इन सब के कारण क्या है और इनका सलूशन क्या है, तो आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। और हम सीधा मैकेनिक से सीख लेते हैं कि कैसे ये ठीक होगा। तो चलिए देखिए, मैकेनिक साहब बैठे हैं और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, देखिए सिलाई कितनी ख़राब आ रही है, नीचे की सिलाई में बिल्कुल धागे ख़राब हो रही हैं, यानी गुच्छे आ रहे हैं। तो मैंने इनसे पूछा इसका कारण क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया कि इसका कारण और सलूशन दोनों बताएंगे, क्योंकि इस नीचे की सिलाई खराब आने का मूलभूत कारण ऊपर का टेंशन होता है। इसको आप सही कर लीजिए टेंशन को और धागे को खींच कर देखिए, बिल्कुल बराबर सही धागा खींच रहा है ना, बिल्कुल टाइट है ना लूज है, तो आपकी सिलाई सही हो जाएगी। तो नीचे की सिलाई जब खराब आए तो आप ऊपर से टेंशन को सही करेंगे तो ये आप देख सकते हैं सिलाई सही आने लगी है ना, ऊपर की साइड में गुच्छे की सिलाई है और नीचे की साइड में बिल्कुल सही सिलाई आ रही है। तो यहाँ पे आप जब भी नीचे की सिलाई ख़राब आए तो टेंशन से सही करें, टेंशन को खोल करके वापस वैसे ही लगा लें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ऊपर की सिलाई ख़राब आई, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की सिलाई में बिल्कुल गांठे गांठे आ रही है। तो ऊपर की सिलाई ख़राब क्यों आती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी हम आपको बताएंगे कि ऊपर की सिलाई ख़राब आने का कारण है नीचे की बॉबिंग। जो हमारी बॉबिंग केस होता है उसमें धागा फंस जाता है, ऊपर की जो इसकी ऊपर की जो ब्लेड होती है ना उसमें धागा फंस जाता है, तो धागा बिल्कुल लूज चलने लगता है। तो आप इसको टाइट कर लें इस तरह से, बोबिन से ही आपको टाइट कर लेना है। और अगर धागा फंसा हुआ है तो आपको इसको खोलना होगा, खोल करके इसका धागा निकालना होगा। तो चलिए हम इसको आपको खोल करके दिखा देते हैं। जो ऊपर की ब्लेड होती है ये छोटा सा एक नट है और इस नट की सहायता से इस ब्लेड को खोल लेते हैं। तो इसी बोबिन से आपको घुमाएंगे तो ये जो नट है छोटा सा ये खुल जाएगा, और जैसे ही नट खुल जाएगा ध्यान से खोलना है। और ये यहाँ पे कचरा देखिए फंसा हुआ है ना धागा, इसको हटा दीजिए, इसी की वजह से आपकी जो ऊपर की सिलाई है वो ख़राब आती है। फिर से वापस ब्लेड जैसे थी ना वैसे ही इस ब्लेड को रखेंगे, ब्लेड का जो बीच का हिस्सा होता है ना उसको उंगली से थोड़ा दबा करके और सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ब्लेड बहुत पतली होती है, जैसे आप दबाओगे वैसे ही ये सेट हो जाएगी। और उसके बाद में इस तरह से वापस नट लगाएंगे और इसी बॉबिंग केस की सहायता से इसको टाइट कर देंगे। आपको इस प्रोसेस में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपकी बॉबिन सही हो जाएगी। आपको इसको जितना टाइट करना उतना टाइट कर सकते हैं, जितना आप इसको लूज करना चाहते हैं लूज कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं लगा भी सकते हैं। तो ये एक इसकी प्रोसेस है बॉबिन केस की, इसको आपको ब्लेड को हटाना है फिर इसको इसी तरह से वापस टाइट कर लेना है। अब देखिए इसको धागे को इस लगा करके चेक कर लेते हैं, धागा बिल्कुल सही से चल रहा है ना, टाइट है ना लूज है। अगर टाइट चल रहा हो तो थोड़ा सा इसको लूज कर लें, और अगर लूज चल रहा हो तो इस को थोड़ा सा टाइट कर ले, इस नट को जो ये छोटा सा नट है ना इसको टाइट और लूज करना होता है। तो यही प्रोसेस होती है हमारे बेबिन बॉबिंग केस की, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। क्योंकि हमारे पास मैकेनिक आए हुए थे तो हमने कुछ समस्याओं को इनके सामने रखा, इन्होंने बताया कि चलिए सभी को बता देते हैं, क्योंकि आजकल मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं, सभी की शॉप बंद है, लोगों के घर पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर देख करके इस वीडियो को और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी ऐसा हमें विश्वास है। तो देखिए यहाँ पे जो सिलाई है आगे और पीछे की बिल्कुल से ओके आने लगी है। तो इसी तरह की सिलाई आपकी भी बन जाएगी, आप इन दोनों प्रोसेस को सही से कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसी तरह से संचेती फैशन डिजाइनर को sanchetifashion.com को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बिल्कुल से सही हो गई है मशीन, ओके हो गई है और ये सही से चल रही है। अगर थोड़ी सी कोई भी सिलाई टाइट चल रही हो तो
उसको थोड़ा सा लूज कर सकते हैं, लूज चल रही हो तो टाइट कर सकते हैं। थैंक यू। ये देखिए अब आप ऊपर नीचे की सिलाई आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल सही से एकदम से परफेक्ट सिलाई यहाँ पे आ रही है, एकदम परफेक्ट है। तो दोनों बातों का ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि जिन्होंने बनाया वीडियो उनका हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू।